कहां से बात कर रहे हैं आप? मैं कानपुर से बात कर रहा हूँ। ये मेरी जो कंप्लेन है 6 दिसंबर की, ये 2 बार बंद करी जा चुकी है, मुझको इसकी रेमेडी नहीं दी गई है। आप कानपुर से बात कर रहे हैं, किडवाई नगर? हाँ, किदवई नगर से बात कर रहा सेकंड अपलाइन पड़ेगा। हूँ। हाँ, मैं लाइन पे हूँ। हाँ जी, आपकी कंपनी यहाँ से क्लोज कर दी गई, यहाँ पे नेटवर्क तो सेटअप हो चुकी है। सर, नेट क्यों कंप्लेन क्लोज कर रहे हैं बार बार, जब मेरी कंप्लेन रिजॉल्व ही नहीं हुई है, क्यों क्लोज कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे तो नेटवर्क सेटअप कर दी गई है, वहां पे आपको कवरेज की दिक्कत थी तो नेटवर्क सेटअप हो गई है यहाँ पे। मेरी मेरी नेटवर्क कवरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये आप लोग स्पीड की प्रॉब्लम थी सर आपको? मेरी नेट स्पीड की, ये आप लोग मिसगाइड मुझे कर रहे हैं। मैं जो कंप्लेन लिखवा रहा हूँ वो मुझको लिखवा वो मुझे मेरी नोट नहीं कर रहे हो, और अपने हिसाब से आप कंप्लेन मेरी नोट डाउन करके और रिजॉल्व कर दे रहे हैं, जो मेरी एक्चुअल कंप्लेन ठीक है है, आज तक पेंडिंग है। आपकी प्रॉब्लम जो थी ना स्लो स्पीड की थी, ठीक है? नहीं थी सर स्लो स्पीड की, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है, मैं कोर्ट चला जाऊंगा। सर आप कहीं भी जा सकते हैं, आप हमारे कस्टमर हैं। सर बात ये है ना, आप बात समझिए, आप भी ये कॉल रिकॉर्ड करते हैं, आप अपना प्लीज मेरी कॉल जो रिकॉर्डेड है 6 दिसंबर की, उसमें सुनिए कि मेरे क्या कंप्लेन थी। आप डाटा सर ये फेच इशू बताइए। नहीं, आप भी तो डाटा फेच कर सकते हैं ना। आप कह रहे हो नेटवर्क की कंप्लेन थी, स्पीड की कंप्लेन थी, नहीं थी। आप रिकॉर्डिंग सुनिए ना, रिकॉल करिए रिकॉर्डिंग मेरी। हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं होती है। तो सर ये तो फिर मेरी जो कंप्लेन है वो कैसे रिजॉल्व होगी? इशू क्या है सर आपके? मैं आपको फिर बताऊंगा, फिर आप कुछ और नोट करोगे, रिजॉल्व तो होनी नहीं है। चलिए मैं आपको भी बता देता हूँ इशू क्या है। बताइए। हाँ, इशू ये है कि मैंने जियो का सिम लिया हुआ है और आइडिया का सिम लिया हुआ है। सिम 1 पे मैंने जियो का सिम डाला है। मेरी कंप्लेन ये है कि जैसे ही मैं डाटा जियो से हटा के आइडिया पे लगाता हूँ, मैं कहीं पे गया था, मेरे को जियो का नेटवर्क स्लो लगा, या मैं नहीं यूज करना चाहता हूँ, या 1 GB हो गया जो फ्री है उसके बाद मैं नहीं यूज करना चाहता हूँ, तो मैंने डाटा कार्ड या डाटा अपना आइडिया पे लगाया। जैसे ही मैं डाटा आइडिया पे लगाता हूँ, मेरा रिलायंस वाला नंबर जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। वो हो जाएगा, अरे क्यों हो जाएगा सर? डाटा बंद कर रहा हूं, नंबर थोड़ी बंद कर रहा हूं। डेटा बंद करेंगे वो बंद हो जाएगी। नहीं तो ये क्यों हो जाएगा सर? यही कंप्लेन आपके है मेरी। डेटा, हाँ ये जी कहां पे आपके, लिखा है? नहीं, ये कहां पे लिखा है? व्हाई आर यू कंपेलिंग मी, व्हाई आर यू कंपेलिंग मी टू यूज डेटा ऑफ ओनली रिलायंस? आई वॉन्ट टू यूज द डेटा ऑफ ये अदर। मैंडेटरी है सर। सर कहां लिखा है? वही तो बता रहा हूं, ये यही तो पूछ रहा हूं मैं। आप सर हर बात लिख के तो मेंशन नहीं करेंगे ना? नहीं, तो ये तो बदतमीजी है सर, ये कहां लिखा है? देखिए सर, आपकी कंप्लेन अभी अभी आपने बोली ना कि गलत बनाई गई, कंप्लेन बिल्कुल सही बनाई गई है यहाँ पे, ठीक हाँ, है? आप और जो नेटवर्क, हमारी, आप तो हाँ बता रहे हो नेटवर्क की स्पीड और ये और वो, आप ही बता रहे हो ना, मैंने अपने मन से मैं थोड़ी आपको एक चीज लिखा। क्लियर करता हूँ, ठीक है? एक चीज बता देता हूँ आपको, जो सारी चीजें लिखित में चाहिए ना, हाँ रिटर्न में, ठीक है, ये रिटर्न में नहीं मिल सकती है। और इसके लिए मैं कंफर्म कर देता हूँ, हमारी 3G डिवाइस में सर्विस नहीं चलती है, तो ये हम रिटर्न में कहीं देंगे किसी कस्टमर को? क्या 3G? फिर बताइए, क्या हमारी सर्विस 3G में नहीं चलती है, तो ये हम रिटर्न में देते रहेंगे सारे कस्टमर्स को। 3G में नहीं चलती है? मीन्स क्या आप हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? नहीं मैं सुन पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? मैं सुन पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। हेलो सर क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर, मैं तो सुन पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? सर, माय ऑडिबल टू यू? सर क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? साफ आवाज आ रही है, यू पीपल आर मेसिंग अराउंड विथ पीपल, आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस ऑन सोशल मीडिया। सर माय ऑडिबल टू यू? यस, लाउड एंड क्लियर। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अब आ रही है, बताइए। अच्छा, अब आने लगी, चलिए बहुत बढ़िया। मैं ये कह रहा हूँ सर, मेरी कंप्लेन रिजॉल्व करिए ये। बिल्कुल यहाँ से रिजॉल्व करी गई है। अरे रिजॉल्व करी गई तो सर आज भी मैं डेटा जैसे ही अपना आइडिया पे ले जाता हूँ, रिलायंस का सिम बंद हो जाता है। अरे वो बंद हो जाएगा सर। अरे सर क्यों बंद हो जाएगा? मैं नंबर थोड़ी यूज कर, मैं नंबर तो यूज करना चाहता हूँ ना रिलायंस का, डेटा नहीं यूज करना चाहता हूँ। नंबर आप, हमारी जो सर्विस है ना वो इंटरकनेक्टेड है डेटा और नेटवर्क्स के, ठीक है? तो हाँ, डेटा बंद होगी तो ऑटोमेटिकली टावर चले जाएंगे, डेटा बंद होंगे तो टावर चले जाएंगे। टावर चले जाएंगे।
तो ये बात जिस टाइम सिम आप देते हो ये बताते हो कस्टमर्स को? सर ये कोई सर्विस नहीं है कि हम किसी को ऐसे बताएंगे कि आप डेटा बंद करेंगे तो सिम बंद जाएगी, ये मैंडेटरी चीज है। तभी जब भी आपको भी इंटरनेट नहीं तो चलाते हैं ना, सर जब आपकी यू इंटरनेट बंद हो यू जाती है। सर व्हाट इज योर नेम? नितेश। नितेश, आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस ऑन सोशल मीडिया, सो बी वेरी कंफर्म ऑन व्हाट एवर यू आर सेइंग। यू कैन सर। हाँ, मतलब अगर हम लोग रिलायंस का डेटा बंद करेंगे तो वी कैन नॉट यूज द मोबाइल सर्विसेज? ऑफ कोर्स यू कैन, आई कैन यूज द मोबाइल सर्विसेज। यू कांट यूज द मोबाइल सर्विसेज। आई अभी आपसे जब प्रीचेक करे जाते हैं ना, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन मांगे जाते हैं कि आपकी मोबाइल डेटा जियो नेट के लिए सिलेक्टेड है कि नहीं, जब आपके फोन में नेटवर्क नहीं आते हैं। नहीं तो अभी जैसे मान लीजिए किसी के पास दो सिम है और वो चाहता है कि मैं डेटा किसी और का यूज करूं, तो जैसे ही वो डेटा किसी और का यूज करेगा वो उसका रिलायंस का नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। हो जाएगा तो जिसका मतलब यू जिस फोन में भी रिलायंस का डेटा कार्ड पड़ेगा, यू आर कंपेलिंग पीपल टू यूज इट ऑन सिम वन एंड यूज इट विद डेटा एक्टिव ऑन। ऑफ कोर्स। ठीक है ना सर? हाँ जी। हाँ, तो इसका मतलब मेरी ये कंप्लेन रिजॉल्व नहीं होगी सर? ये कंप्लेन यहाँ से रिजॉल्व हो गई है, आपको डेटा हमेशा मस्ट ऑन रखनी पड़ेगी, जो मैंडेटरी फील्ड है। वही तो कह रहा हूँ, मतलब मेरी जो शिकायत थी वो यही थी कि मैं डेटा दूसरे का यूज करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये मेरी अब रिजॉल्व नहीं होगी अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि जैसे ही मैं डेटा ऑफ करूंगा रिलायंस के टावर चले जाएंगे। डेटा तो हमेशा ऑन रखनी पड़ेगी सर। रखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये बात जब जियो सिम दी जाती है तो लोगों को बताई क्यों नहीं जा रही है? इज इट प्रिंटेड ऑन योर सिम कार्ड मैनुअल? एक सर बात, मुझे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हमारी सर्विसेज विंडोज फोन में नहीं चलती है, तो क्या हम अपन सिम पे लिख देंगे कि नॉट सपोर्टेड फॉर विंडोज? हाँ, या क्यों फिर नहीं? उसके कवर पर लिख देंगे? हाँ बिल्कुल लिख देंगे, सिम का जो पैकेट है उस पर लिख के देंगे आप, नॉट सपोर्टेड फॉर विंडोज लिख वाह, देंगे आप। इट इज योर मॉरल ड्यूटी टू राइट ऑन दैट। ये कोई मोरल चीज नहीं है, ठीक है? अगर आप किसी चीज की सेलअप कर रहे हो ना, मार्केटिंग कर रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है, आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये विंडोज में नहीं चल रही है, जब आपको पता है कि ये विंडोज में नहीं चल रही है, इसके एंड्रॉइड वर्जन ये सपोर्टेड नहीं है, तो सारी चीजें हम सिम के पैकेट के पीछे मेंशन करेंगे। सिम आप बेच रहे हो, आप नाराज क्यों हो रहे हो? एज अ कस्टमर सिम आप बेच रहे हो तो आपको उस पर लिखना चाहिए ये ब्लैकबेरी पे सपोर्ट नहीं है, या लिख दीजिए सपोर्टेड ओनली फॉर एप्पल एंड एंड्रॉइड। इसमें इट इज सिंपल, यू हैव टू राइट दैट। अगर गाड़ी, सुनिए सुनिए सुनिए, अगर कोई गाड़ी होती है हम लोग लेते हैं तो उस पर लिखा होता ना सर कि ये डीजल की है, पेट्रोल की है, इसमें डीजल की है तो जो है इसका मतलब डीजल डालना है। तो अगर आप कोई सिम बेच रहे हैं, अगर उसके साथ कोई कंडीशन आ रही है कि जैसे इसमें सर मैंडेटरी है कि आप रिलायंस डाटा यूज करेंगे, जब एज डेटा कार्ड ऑन रखेंगे तभी रिलायंस का नंबर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। यू शुड, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल कंडीशन। अगर हम एयरटेल की और आइडिया की दो सिम लेते, किसी पे भी डाटा चलाएं, किसी का भी नंबर चलाएं, कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आपने एक एक्स्ट्रा बाउंडेशन तो डाली है, आपने नहीं, प्लीज बेचेंगे पैकेट के पीछे ये लिख देंगे कि ये सर्विस में नहीं चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी, वैसे नहीं चलेगी, ये तो नॉन इश्यू हो गया सर। नहीं, नॉन इश्यू कैसे हो गया सर? आप जो है, एम आई ऑडिबल सर? यू आर लाउड एंड क्लियर ऑडिबल, बहुत बढ़िया। एम आई ऑडिबल सर? सर ये तरीका बहुत अच्छा है कि बीच बीच में आपकी आवाज चली जाती है। मेरी आवाज सुन पा रहे सर? हाँ सुन पा रहे हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से सुन पाते हैं, ये बड़ी दिक्कत। आप मेरी आवाज सुन पा रहे सर? सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज रिप्लाई करें। सर रिप्लाई क्या करें बताइए, आप सुनना ही नहीं चाहते। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज रिप्लाई करें। सर आप डाटा सर्विस सुधारो अपनी, आपके डेटा सर आपकी तरफ से कोई रिप्लाई आने की वजह से मुझे इस कॉल को डिस्कनेक्ट करनी पड़ी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस रिलायंस, वेरी नाइस, यू पीपल आर मेकिंग फूल ऑफ एक्सपीरियंस विद आवर एडवाइजर ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10। इट इज जीरो, इज मोस्ट सैटिस्फैक्टरी। एंटर योर रिस्पॉन्स फॉलोड बाय हैश की। इट इज जीरो, रिस्पॉन्स इज जीरो।